आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मामला मध्य प्रदेश के धार जिले के निवासी एवं झाबुआ जिले के मेघनगर में पदस्थ पुलिस जवान का है, जिसने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस जवान महेंद्र भाबोर का आरोप है कि पूर्व डीएसपी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है एवं पूर्व डीएसपी पीड़ित जवान की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस जवान ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। आपको सर, मैं धार जिले का रहने वाला हूँ, कोटक पीछे हाथी थान, और मैं पुलिस विभाग में पदस्थ हूँ झाबुआ जिले में थाना मेघनगर में। मेरी बहुत बड़ी समस्या है सर, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ सर। मेरा वहाँ पर धार जिले में विवाद चल रहा है सर, जमीनी विवाद, और इस विवाद में सर पूर्व डीएसपी है और उसका परिवार है सर, बहुत बड़ा परिवार है, और लखपति परिवार है, और मेरे परिवार में सर मैं अकेला ही हूँ। उन पूरे परिवार ने सर मेरी ज़मीन जबरदस्ती हड़पना चाह रहे हैं सर वो, और उन्होंने सन 86 में सर उनकी हमारी ज़मीन उनके नाम पर, हमारे नाना जी की ज़मीन उनके नाम पर करवा ली है सर, और इस कारण सर मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है सर। मैं घर जाता हूँ तो सर मेरी झूठी झूठी शिकायत करते हैं, और कई बार सर आवेदन भी दिए मेरे खिलाफ़ सर सी एस पी साहब धार में भी कम से कम 3-4 बार मेरे खिलाफ आवेदन दे चुके हैं सर झूठे, और अपने एसडीपी साहब थानला में भी मेरे खिलाफ झूठे आवेदन दे चुके हैं सर। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सर इस परिवार से। मैं मेरे बीवी और मेरे बच्चे सर, वो भी एक मेरा बच्चा भी एक सर कुपोषित है और अपंग है सर, तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर वहाँ पर रहती है सर, और हमारा जमीनी विवाद चल रहा है सर, तो उसको जो है ऐसा करके भगाने की कोशिश कर रहे हैं सर वहाँ पर, और मैं जाता हूँ तो मेरे बच्चों से मिलने तो मेरे पे भी सर झूठे इंजाम लगाते हैं सर, और कहते हैं तेरे को फंसा दूंगा और तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं डीएसपी हूँ और डीएसपी आदमी हूँ मैं, और तू छोटा सा सिपाही क्या करेगा हमारा, यूँ करके मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है सर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सर, मुझे शिवराज सिंह जी चौहान से यही उम्मीद है कि सर मेरा निराकरण किया जाए सर जमीन का, और मुझे इस लोगों से बचाया जाए सर। मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, मेरा दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो चुका है सर, मैं ना नौकरी कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ सर। मेरी औरत को भी बहुत परेशान करते हैं सर, उनने भी जनसुनवाई में आवेदन दिया है सर, आए दिन परेशान करते हैं सर, और बहुत दुखी हूँ सर मैं उनसे। डीएसपी साहब पर रोक जमा के सर मुझ सिपाही को बहुत परेशान किया जा रहा है सर। क्या नाम है डीएसपी साहब? डीएसपी साहब का नाम सर श्रीमान शंकर लाल कटारिया नाम है सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर कि मुझे परेशान किया जा रहा है सर, मेरी किधर भी सुनवाई नहीं हो रही, मैंने बहुत बार आवेदन भी दिए सर, जन सुनवाई में दिए सर, अपने थाने में देता हूं सर दिए हैं सर, और कई बार सर मैंने अपने कलेक्टर साहब को दिया है सर, और कई बार सर मैं तहसील में भी दे चुका हूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर, और वो मेरे दबा दादाओं की जमीन है, मेरे द्वारा कई बार बोला भी गया है सर डीएसपी साहब को हाथ जोड़ के सर, तुम इतने साल से मेरे से झगड़ा कर रहे हो तो तुम्हारा प्रूफ बता के तुम्हारा कब्जा क्यों लेते हैं सर, कि है ही नहीं सर उनके पास, झूठे उनके पास कागज है सर, और झूठी उनकी झूठा उनके उनने पट्टा बना रखा है सर फर्जी, इसलिए सर वो पेश ही नहीं करवा रहा सर, मुझे परेशान कर रहे ताकि इसके बच्चे बच्चे यहाँ से लेके चले जाए तो ये जमीन हम कब्जा कर ले सर, तो मेरे बाप दादा की जमीन मैं छोड़ के कहाँ पे जाऊँगा सर। तो ये जो इन्होंने कागज बनाए इस पे आपने आपत्ति वगैरह कुछ ली? मैंने लगाई सर आपत्ति, और उसका सर मैंने निरस्त भी करवा दिया सर 76 का पट्टा सर, जिनमें इन पे कोई साइन वाइन कुछ नहीं है सर, हमारे नाना जी का बिल्कुल फर्जी तरीके से कराया है सर, और सर डीएसपी साहब मुझे डरा धमका के तो छोटा सिपाही है तेरे को नौकरी से हटवा दूंगा, यूं करके यहां से भाग जाएगा तो ये जमीन में कब्जा कर लूंगा, इस कारण मुझे सर आए दिन परेशान करता है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, मैं इस कारण बहुत परेशान हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर महेंद्र सिंह भाबर है, और मैं सर मेघनगर थाने में पदस्थ हूँ। पुलिस जवान महेंद्र भाबर की पत्नी धार में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची और जनसुनवाई में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आप भी देखिए पुलिस जवान की पत्नी ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। नाम है आपका? मेरा प्रेमलता भाई। कहाँ से आए? यहीं से हाथी थान। क्या समस्या आपकी जनसुनवाई में, क्या समस्या लेकर आए? मेरी समस्या पानी की भी है और मेरी समस्या जमीन की भी है, मेरे को शंकर कटारिया और इनका सारा परिवार मेरे को रात दिन परेशान करते हैं, और मेरा पति पुलिस में है और उसको बोलते हैं कि तू यहाँ आएगा तो मैं तेरे को नौकरी से हटा दूँगा, और मेरे को बोलता है कि तेरे दोनों बच्चों को लेकर भाग जाना वरना तेरे साथ हम कुछ घटना कर देंगे, और मेरी ज़मीन मेरे नाना जी की ज़मीन है, इन्होंने फर्जी नाम पे करवा ली, और मैं सबूत मांगती हूँ तो मेरे को बोलता है कि तू सबूत रख दे, मेरा कहना यही है गांव में तस्दीक ली जाए और गांव में बताएगा किसकी ज़मीन है, और मेरे को लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए, आज तक ये सबूत कोर्ट में रख नहीं पाए हैं और मेरे को भगा रहे हैं, और इसी के कारण मेरे को नल कनेक्शन भी लेने नहीं दे रहे हैं, और मेरे नाना जी की ज़मीन है, मेरे ससुर जी मेरे दादाजी सभी यहीं पर शांत हुए हैं सभी, और मेरे पति को बहुत धमकी देते हैं और झूठे झूठे आवेदन देते हैं मेरे पति के खिलाफ। क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ज़मीन का फैसला मेरे को चाहिए और मेरी ज़मीन का निराकरण बताइए, गाँव में आके तस्दीक ली जाए गाँव में, और मेरा हक मुझे दिया जाए।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम लता है और मेरा बच्चा 9 साल का है, अपंग है और मेरे को ये DSP की धमकी देता है, जबकि रिटायरमेंट हो गए जिसके बाद वो धमकी देता है। आपके पति रिटायर हो गए? इनके पड़ोसी लोग, आरोपी लोग रिटायरमेंट है, वो DSP की धमकी देता है कि मैं DSP हूँ, ऐसा बोलता है। क्या बोला यहाँ लेकर आए थे जब आवेदन, तो क्या बोला? आवेदन से बोला है कि आज ही तुम्हारे यहाँ जाएंगे और हम मौके पे देखेंगे और तुम्हारे को नल कनेक्शन दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। पर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जमीन की ही परेशानी है, ये लोग बोल रहे हैं कि तेरे को घर तोड़ा के हम भगा देंगे यहाँ से, और रात दिन मेरे घर पे पत्थर फेंकते हैं ये लोग, मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो सुना आपने पुलिस जवान और उसकी पत्नी की पीड़ा। हालांकि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, मगर एक पुलिस जवान ही अगर न्याय की गुहार लगा रहा है तो आम जनता को न्याय के लिए कितना भटकना पड़ता होगा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्लोबल इंडिया TV के लिए झाबुआ से संदीप खत्री की रिपोर्ट।